उसके नीचे और एक नंबर घर भी है भाई। 31 और भाई 31 बारी है भाई इसमें, और नंबर 31 में क्या फर्क है भाई भाई यार, नंबर का फर्क है, गुरुड़ भाई बोल रहे नंबर का इतने फर्क है। जाहिलों से बात कर रहा हूं मैं, इतने जाहिलों से बात कर रहा हूं कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, उर्दू नहीं पढ़ सकता, अरबी नहीं पढ़ सकता, ये मुझे क्या जवाब देगा यार। 31 दफा ये आयत है रिपीटेड, 38 में, 38 में फर्क आंसर है और 32 में फर्क आंसर है, जबकि 31 और 32 दोनों सेम है, 38 और 32। यार ये लेके आया ये बंदा, घंटा डेर ये बैठा रहा है और घंटा डेर के बाद ये चीज लेके आया कि आयत नंबर कॉपी पेस्ट कर रहा है प्राइवेट चैट में, आयत नंबर 31, लेकिन कॉपी पेस्ट गलत हो गया एडम भाई, आयत नंबर 38 में जाएं तो भाई 32 में चल जाओ, नेक्स्ट आयत में यही चीज लिखी है, फबी आई आलाई रब्बी को मातु कज़िबान, नहीं 38 में कुछ और है। अब ये पहले मुझे ये बताए 32 में और 38 में फर्क क्या है, फिर हम आगे चलेंगे, कौन सी जेर जबर पेश का फर्क है। 32 और 38 में ये फर्क है सर, ये बहुत बार आया यार। जब जब कोई भी आयत बताई गई है सूरह रहमान में, तो उसके बाद ये आयत आई है कि तुम कितनी नेमतों से तुम इसको झुटलाओगे। तो एक और बात कही गई थी उस आयत में, तो यहाँ पे 38 वाली बात हो रही ना सर, तो आप प्लीज वो लगाएं तभी तो मैं बता पाऊंगा ना सर। आप अपनी बात भी तो अरे सही कह रहे हो, 32 और तो मुझे भी 38 बोलो। सेम है, इसको वो ही दोनों पढ़ सेम के है, उसके बता बीच की दो। बातें सेम नहीं है। बीच की बातें सेम नहीं है सर, आप पॉइंट ही नहीं समझना चाहते। बीच की बातें की बात कर रहा हूँ मैं, आप प्लीज आप लगाना नहीं चाहते सर। मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज लगा दो, अरे आपको ये ले जवाब भी है। 38 ले ले, मैं 38 यार, ओ यार मैं लगाना नहीं चाहता, 38 ले यार, ये ले पकड़, 38 ले, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बी, वत ये ले 38 ले ले, एला फर एक 38 और इसके अगले 32 आयत पे सेम जाओ। है, लेकिन तू 38 ले ले भाई, चल बोल। हाँ अब इसके अगले आयत ओए ओए ओए, अच्छा असल में 38 नहीं दिखानी थी, तुम्हें 39 दिखानी थी, ये ले पकड़ आला। दैट वन एट ऑन द वे नन विल बी आस्क अबाउट हिज सिन अमंग द मैन और जिन। अब यहाँ पे बात हो रही है मैन और जिन की। अब अगली आयत पे जाए सर, पढ़ते रहे क्योंकि सर इसका जवाब है ऊपर से। आपने जो आयत लगाई ना उसके जवाब यहाँ से शुरू होता है। ओए होए आप होए प्लीज यार, इसको ये ले ये नीचे ले पढ़ो। ये ले, ये ले, वही आ गई दोबारा। तो विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड वुड यू डिनाय, फिर से उन्होंने कहा है कि ये बात तुम क्या डिनाय करोगे। फिर अगला लगाए सर, आप अगला सर, अगली आयत, इसकी अगली आयत लगाए सर प्लीज सर, इसकी अगली आयत लगाए। द क्रिमिनल्स विल बी नोन बाय देयर मार्क्स एंड दे विल बी साइज्ड बाय द फॉरलॉक एंड द फीट। सर यहाँ पे मार्क्स की बात हुई है, अब किन मार्क्स की बात है? अंगूठे के निशान भी हो सकते सर, वैसे छोड़िए इसको सर, आप अगली पे आ जाइए प्लीज। माथे से किसको पकड़ा जा मैं सकता है, चाहिए सर, हेलो सर, माथे माथे से से तो किसको पकड़ा जा पकड़ा जा सकता सकता है, है, क्यों नहीं पकड़ा सकता है? पकड़ा जा सकता है अगर सर, क्यों नहीं पकड़ा? आप बताइए सर, मैं माथे से क्यों नहीं सर, कैसे पकड़ सकते हो सर आप माथे से? सर आप क्या कहना चाहते हैं माथे सर? फिलहाल इसका अल्लाह जवाब कह रहा नहीं है है मेरे उसको को, जिस पकड़ा इसका जाएगा जवाब उसके माथे से, उसकी पिशानी से और उसके पांव से, माथे से कौन पकड़ सकता किसी को। यहाँ पर सर मार्क्स है। खैर सर इसका जवाब अभी नहीं आता है, अगले पे सर नेक्स्ट पॉइंट पे चल जाए प्लीज सर, इसका मुझे जवाब जवाब नहीं दे आता, दीजिए लेकिन ये मैंने आपने। आयत हाँ पढ़नी थी, आगे आयत कर लेते हैं, ओके इसका सर, जवाब नहीं अगली आता, इसका आयत भी पढ़ जवाब लेते नहीं हैं आता, सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे चल, ये ले फिर वही आ गई 38। हाँ सर ठीक है सर, वही आएगा अगले पे आ जाओ अच्छा सर। जी इसका फिर उसके बाद, जवाब सर कनेक्टेड है, इसका जवाब कनेक्टेड जी, है, पढ़ते रहे। कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, जी, जिसका क्रिमिनल डिनाय है सर, आगे पढ़ते चले अच्छा जाए, आगे बढ़े सर, थोड़ा ओके, आगे पढ़ थोड़ा और लिया, आगे बढ़े। जी आगे पढ़ एबल लिया, सर्कुलेट बिटवीन इट एंड स्टार्लिंग वाटर हीटेड। अभी यहाँ पे सर जहन्नम की बात, अभी जन्नत की बात ही नहीं, अभी तो यहाँ पे सर जहन्नम की बात है, जहन्नम दोनों में की। तवाफ कौन कर रहा है, जहन्नम में तवाफ कौन कर रहा है। अभी बात तो यहाँ पे जिन और इंसानों की बात हो रही है, तो सबसे ऊपर हाँ ये लिख क्या दिया गया क्या, है पहले। तो जहन्नम में कौन तवाफ कर रहा है, किसका तवाफ हो रहा है, माफ का मतलब सर, लिखा है ना, या तूफून तवाफ, तवाफ वो चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं किसका, आग का वो और खोलते हुए पानी का, एरोन कौन आग का कौन जन्नत में तवाफ कर रहा है। तो जन्नत की तो बात ही नहीं, अभी कहाँ होगी जन्नत की बात? आप बताएं यहाँ पे कहाँ अरे लिखा है जन्नत जहन्नम, है? हाँ जहन्नम, जहन्नम में तवाफ कौन कर जहन्नम रहा है, आग का और गर्म पानी का तवाफ कौन कर रहा है। सर, इंसान और जिन,
एक जगह इंसान कर रहे, जिन कर रहे, इंसान और जिन जहन्नम में आग और गर्म पानी का तवाफ कर रहे होंगे। बिल्कुल सही है, यही लिखा ही हुआ है। और बताइए सर, यही तो समझ कर रहे है। सर नहीं रहे होंगे, तवाफ कर रहे होंगे। आपने जिस चीज का सवाल पूछा उसका जवाब देंगे ना, फिर आएंगे एक एक पे आते ना सर, एक पे एक आते ना, एक का जवाब तो देंगे। मुझे ये बताइए यार, तुम 3600 चीजें क्यों करवा रहे हो जब जवाब नहीं है इसमें? यार जवाब ही नहीं है, पढ़ते जा रहा है, सिर्फ आगे पढ़ते जा रहे हो। कौन से बात का जवाब दिया भाई आपने? इसके आगे मुझे पढ़ने दीजिए सर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्लीज। मुझे यार तुमने 10 बातें आगे की है, तुम यहाँ तक लेके क्यों आए? और जहन्नम में किस चीज का तवाफ हो रहा है? नंबर एक। नंबर दो, जहन्नम में तवाफ करते वक्त क्या पढ़ रहे हो? सर इसके आगे लिखा है कि जो जन्नत होगी दो भाग में बढ़ जाएगी। सर आप लिखे तो सर, आप सर चालू तो करेंगे, आप आगे तो बढ़ जाएंगे, तभी तो सर जन्नत दो भागों में बटेगी। पहले जिन के लिए ऐसे इंसान, जन्नत हो गए, जन्नत दो भागों में बदल जाएगी। जन्नत दो भागों में कहां पे बट रही है? कहां पे बट रही है? हाँ जी, ये बट रही है, यहां बट रही है। तो सर जी पहले तो सर जी यहाँ पे बट रही है इसमें, इन आयतों में है, और यहाँ बट रही है। ओके, बताओ कहाँ लिखा हुआ है दो भागों में जन्नत बट गई? प्लीज बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ दो जन्नतें, जन्नतान वलमिन खाफा मकामन रब्बी जन्नतान, जो अपने रब से डरता है उसके लिए दो जन्नतें हैं, ये लिखा हुआ है। कहाँ पे दो भागों में बटी है भाई? तुम लोग जब आर्टिकल पढ़ते हो ना, अगर मैं ये दिखा यार, दूं सर, बात सुनो यार, शट अप लिसन, जिस भी आर्टिकल में तुमने पढ़ा है उसने झूठ लिखा आर्टिकल है लिखे, तो आपने जो आप जो आपके सामने खुला है ना सर, थोड़ा सा सब इंतजार करे, बस थोड़ा 2 मिनट रुके। अगर मैंने ये दिखा दिया सर आपको, सर अगर मैंने आपको दिखा दिया, दिखाए सर, सर यहाँ पे 37 कुछ लिखा सर, 37 सर, 37 जो आपने खोल रखा वही 37 5 5 dot dot 37 इन्होंने दिखाना है शायद जिंदगी में कई दफा कोई दिखाए सर, दिखा जी सर, क्या लिखा 37 स्प्लिट ओपन एंड बिकम स्प्लिट ओपन, स्प्लिट का मतलब होता है सर कट जाना, आप देख सकते हैं लिखा हुआ साफ सर अक्षर में। And when the heaven is split, split का क्या मतलब है सर? Split का जब देखो दो भागों में बटने का मतलब ही split होता है। क्या फट रहा है? यहाँ क्या फट रहा है? आसमान, आसमान फट रहा है। आसमान, heaven, heaven लिखा हुआ है सर। जब आसमान दो भागों में फट जाएगा, ये क्यामत की निशानी है। जब आसमान दो भागों में फट जाएगा, जन्नत नहीं फटी साले, आसमान फटा है। कहां से पढ़ के आते हो यार? मुझे पागल कर दिया तुम लोगों की बेवकूफियों ने, जाहिलानापन किधर से लेके आ रहे हो आर्गुमेंट? सुनो, ये मैं यार सामने लिखा हुआ है, टोटली टाइम वेस्ट, सामने लिखा हुआ है सर। अबे साले, आसमान लिखा हुआ है, जब आसमान फट जाएगा दो भागों में, उस वक्त क्यामत आ जाएगी, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा, ना किसी जिन और ना किसी इंसान के गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा, मुजरिमों के चेहरों को पिशानियों से पकड़ा जाएगा। जन्नत की बात ही नहीं हो रही, इस दुनिया के आसमान की बात हो रही है। कहां से आर्ग्यूमेंट लेके आते हो? कौन सा डंगर आर्टिकल पढ़ रहे हो तुम लोग? अगर सिर्फ मुझे सुन लो एक दफा, जो मैं तरीके से तुम लोगों को सारा कुछ दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये जो आर्टिकल तुम्हारे दो नंबर मौलाना ने लिखे है ना, उस साले हराम के पिल्ले मौलाना को मेरे पास लेके आओ, मैं देखूं कि वो 5वीं भी पास है कि नहीं है। सर मैं बताता हूं, सर मैं बताता हूं, 37 में लिखा हुआ है, 37 आयत नंबर 37 का कॉन्टेक्स्ट थी, डे ऑफ जजमेंट का है, क्यामत का कॉन्टेक्स्ट है। हेवन इंग्लिश की ट्रांसलेशन पढ़ के गेम चेंज कर लेते हैं अपनी मर्जी से ही। कुरान इंग्लिश में आया था इनके लिए साला, अरबी पढ़नी नहीं आती, उर्दू पढ़नी नहीं आती, तफसीरें पढ़ी नहीं है इन लोगों ने,
15 मिनट हो गए खजल खुआर कर रहा है, आयत नंबर 31 देता है, फिर 38 भी जाता है, फिर 43 से उठ के 37 से मिलाता है। अब एक किस बंदे ने 47वीं आयत को 37 से मिलाया? कोई एक स्कॉलर दे दो मुझे तफसीर का जो 47वीं आयत कौन मिला रहा है भाई, दो भागों में बट गया। ये इंडिया का कौन कुत्ता स्कॉलर है उसे मेरे पास लेके आओ। टोटली डैमेज्ड हद होती है यार, लेवल है, लेवल है, स्टुपिडिटी का लेवल है। पांचवी क्लास का बच्चा जो है ना इसे अच्छा आर्गुमेंट दे देगा, पांचवी क्लास का। फिर लोग कह रहे काम नहीं पाया यार, काम काम डाउन क्या करूं यार, मैं क्या काम डाउन करूं यार, मुझे नहीं समझ आती साहिल जो है ना इन लोगों को कैसे झेल लेता है, मुझे समझ नहीं आती साहिल कैसे झेलता है। अरे यार दुनिया में इंडिया पाकिस्तान में एक भी पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं रह गया, एक भी नहीं रह गया। इस टाइप के डंगरों से बात करनी पड़े हमें। जो स्कॉलर मम्मी है उनकी तो ऐसे टांगे कांप रही है, तो ये लोग आएंगे डिफेंड करने। अबे उनके चलो छोड़ो जाने दो भाई, कुछ नहीं होने वाला भाई, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास में। और ये आया था, ये खाली ऊपर नीचे एक ही आयत बता रहा है, वो आयत 31 टाइम्स लिखी है, वही आयत पे लेके जा रहा है वापस नीचे। नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है कि क्या अलग है, क्या मालूम क्या बताना चाहता था, समझ में नहीं आया मेरे को। नहीं ये बोलना क्या चाहता था, इस आयत को मिला रहा है कि असल में ना अल्लाह ने जन्नत के दो टुकड़े कर दिए। अबे साले किसने कहा, कहां से तूने ये आर्गुमेंट लिया, किसी सूरत में नहीं बनता। क्या कह रहे जी 10th इज क्लास 10th ए एंड 10th बी आर सेक्शंस लॉजिक, थैंक यू। लेकिन भाई स्टुपिडिटी इन लोगों की ये है, आसमान फट गया, आसमान फट गया, कितना फटा है, 200 में फटा है? नहीं भाई आसमान फट गया है, शक हो गया, अल्लाह बता रहा है आसमान गिर जाएगा। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि हमने आसमान को अनदेखे पिलर्स, अनदेखे सतूनों से उठा रखा है, जिसको तुम देख नहीं सकते, इनविजिबल सतूनों से उठा रखा है। कुरान कह रहा है अल्लाह के मुताबिक आसमान जमीन के ऊपर गिर जाएगा क़यामत में, जब आसमान फट जाएगा। ये कुरान की मल्टीप्लाईते बता रहा हूँ मैं, सिर्फ सूरह रहमान नहीं बता रहा, मल्टीप्लाईते हैं कुरान इनविजिबल। कुरान कहता है कि अल्लाह ने एक गायब किस्म के सतूनों से आसमान को उठा रखा है, फिर अल्लाह कहता है मैंने आसमान को अपने हाथों से उठा रखा है, गिर जब मेरा दिल करेगा मैं छोड़ दूंगा गिर जाएगा। आसमान जब फटेगा तो जमीन पे गिरेगा। आसमान अल्लाह के मुताबिक एक ये डोम है, ठीक है, आसमान एक डोम है, जमीन फ्लैट है, आसमान डोम है, वो डोम जमीन के ऊपर गिरेगा, जमीन में तबाही आ जाएगी। ये स्टुपिडिटी अल्लाह की, वो इसको समझा रहे कुछ कर रहा। जन्नत भाई जन्नत के लिए अल्लाह ने जन्नतान लिखा हुआ है, टू हेवंस। अब हेवन की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हुए सही इंटरनेशनल ने वर्ल्ड हेवन लिखा है आसमा को, समा को, समा आसमा एक अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है स्काई, आसमान। वो हेवन वर्ल्ड को जन्नत से कंपेयर कर रहा है, वो जन्नत बना रहा है। जन्नत को सही इंटरनेशनल गार्डन लिखता है। आपको ट्रांसलेटर की इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी देखना है। सही इंटरनेशनल जब भी जन्नत की बात करता है वो गार्डन लिखता है, सही इंटरनेशनल जब भी समा की बात करता है वो हेवन लिखता है। इन्होंने जन्नत को हेवन बना दिया अपनी मर्जी से, गार्डन को पता नहीं कुछ और बना दिया। यार क्या बकवास है सीरियसली यार। अगर अभी इनको दो ढूंढना होता तो कुरान की कोई भी आयत उठा के ले आते, जा हमारे साहिल भाई का इस्तकबाल है। यो 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 मम्मा यो 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 आदम यो यो। अरे यो यो भाई ये कौन आ गया यार, तो हीरो आ गया, हीरो पत्ती हो गई भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। मैं तकरीबन आधे घंटे से सुन रहा था, मैं खाना खाने के लिए गया था, मैं सुन रहा था और मुझे इतनी हंसी आ रही थी तेरे साथ जो टॉर्चर चल रहा था भाई, मुन्ना भाई ने भाई, सर दुख गया भाई, सर दुख गया भाई मेरा, यही पे जहन्नम होगी दुनिया में। इतनी हंसी आ रही थी मेरे को। ये कौन सा बंदा था ये, वो अपना क्या नाम है, अपने पास परसों जो आया था वही है ना, ये नाम क्या था इसका,
तुम्हारे पास आगे देखो देखने को मिलने में। हेलो हाय करोगे आप? मैं इस इंसान को मैंने अरे इसको थोड़ा निकालो यार, एक मिनट निकालो यार, एक मिनट अमित भाई निकालो यार, अमित भाई निकालो जरा। मैं ये कह रहा था कि इस बंदे को मैंने जब वो फर्स्ट टाइम आके बात किया ना, मैं समझ गया कि इससे ये बंदा बात करने के लायक ही नहीं है, ये सर दुखाने के लायक है। इसको मैंने वाई इस्लाम की कैटेगरी में डाला हो। वाई इस्लाम को हम लेते हैं क्या? नहीं, इसको गलती नहीं से भी लेते हैं वाई इस्लाम को यार। ये जाएगा फिर वो लड़कियों को चल जाएगा, वो पप्पू वो क्या नाम है उनको, वो तंग करेगा वो, और कुछ नहीं है। इनको अंब का नहीं पता यार, अंब का नहीं पता। असल में इसको कंफ्यूजन क्या हुआ है पता है? इस बंदे को अरबी आती नहीं है। ये हेवन, अभी आम तौर पे हम लोग जो है वो जन्नत को हेवन ही बोलते हैं ना, हेवन हेलन हेवन। हाँ लेकिन सही इंटरनेशनल ने आसमान को हेवन लिखा हुआ है और जन्नत को गार्डन लिखा हुआ है। अरे तो इसको कहाँ मालूम, इसको कहाँ मालूम है? इसने वहां पे हेवन देखा, इसको लगा जन्नत की बात हो रही है। गेम ओवर यार। कसम से यार, मैं सैल्यूट सैल्यूट है भाई। जन्नत भी दो पार्ट में, अगर थोड़ा फिलहाल मेरे को ये समझना है कि इससे बंदा आर्ग्यूमेंट क्या देना चाह रहा था कि दो बाटों में अगर जन्नत बटी हुई है, आर्ग्यूमेंट क्या है इसका? इसलिए कि दो जन्नत अल्लाह ने इसलिए लिखी कि जन्नत दो बाटों में बदल दी उसने, ये आर्ग्यूमेंट है बेसिकली। यस स्टुपिडिटी है। असल में सूरह रहमान में ना नून नून की गर्दान करने के लिए मोहम्मद ने जो है ना गेम सूरह रहमान में डाली थी कि फ्रूट्स भी दो हैं, अब उसको दो एक साम बनाते हैं, जन्नतें भी दो हैं, मशरिक भी दो हैं, मगरिब भी दो हैं, क्योंकि उसने नून की गर्दान बनानी थी। जन्नतान अफनान मान, ये उसने नून की गर्दान बनानी थी, तो उसने जन्नतों को भी दो जन्नत लिखा हुआ है दो दफा सूरह रहमान के अंदर, ठीक है। उसने मशरिकैन लिखा हुआ है, मशारिक नहीं लिखा, मशारिक कहते हैं प्रूलर ऑफ द मशरिक, यानी मैनी मशरिक है। उसने मशरिक नहीं लिखा, उसने मशारिक नहीं लिखा, उसने लिखा मशरिकैन। इस्लामिक स्कॉलर्स 1400 साल से रो रहे हैं कि यार दो मशरिकें कहां से आ गई, दो मगरबें कहां से, रबुल मशरिक ही नहीं रबुल मगरिब ही नहीं, दो कहां से आई, नहीं समझ सके आज तक इस्लामिक स्कॉलर नहीं समझ सके। क्यों? क्योंकि उसने नून की गिरदान करनी थी मोहम्मद ने बस। अच्छा एडम, एक चीज और गौर किए होगे, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना, कि ये जो फंडा है दो वाली चीज का, जो लास्ट में नून लग जाता है, ठीक है, जन्नतान और वो मगरिबैन है ना, मशरिकैन, तो ये वाला फंडा सिर्फ तुमको अरबी में ही मिलेगा, बाकी कोई लैंग्वेज में ऐसा सिर्फ दो के लिए तुमको कोई ऐसा वर्डिंग्स नहीं मिलेगी स्पेसिफिकली। नहीं, तमाम सिमेंटिक लैंग्वेजेस में ना दो की वर्डिंग होती है। सो अगर आप हिब्रू को भी देखोगे ना, तो हिब्रू भी जो है ना वो सिंगुलर, ड्यूल और फिर मोर, थ्री एंड मोर को जाहिर करती है। सेम इज द केस आपको जो सिमेंटिक लैंग्वेज है ये, चूंकि ये भी संस्कृत भी एक सिमेंटिक लैंग्वेज है ओल्ड, उसमें भी वाहिद दो एंड फिर थ्री एंड मोर होगा। ये सिमेंटिक लैंग्वेजेस की, ओल्ड सिमेंटिक लैंग्वेजेस का स्टाइल है, ठीक है। तो अरबी के अंदर भी ये स्टाइल है, क्योंकि ओल्ड सिमेंटिक लैंग्वेज है ना, तो वो वाहिद जमा के बीच में एक टू भी डालता है। अंग्रेजी में सिर्फ लफ्ज एक कपल आ जाता है, लेकिन वो हर चीज को दो में नहीं करता। अरबी एस, इंग्लिश एस लगा देता है, वो दो या दो से ज्यादा हो जाता है, लेकिन अरबिक ऑल सिमेंटिक लैंग्वेज, ओल्ड सिमेंटिक लैंग्वेजेस में वन टू एंड मोर देन टू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं हिब्रू की एग्जाम्पल देता हूँ, अभी इसकी अमित भाई दे देंगे, एल एलोहा एलोहिम, एल कहते हैं सिंगुलर, एलोहा दो, एंड एलोहिम मोर देन टू, ठीक है। तो इस तरीके से अमित भाई आप दे दें संस्कृत, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ये गालिब भाई ने बताया था, मेरे को भी याद नहीं, बचपन में पढ़ा हुआ है, तो होता है शायद इसमें अपना हिंदी में भी ऐसा, एक वचन अनेक वचन बहुवचन ऐसा है, एक अनेक और बहुवचन तो वो द्विवचन और होता है, गालिब भाई बताए थे, मेरे को याद नहीं है। चलो ठीक है, वो तो अभी तो पता चल गया कि दूसरी लैंग्वेजेस में भी है, लेकिन ये अल्लाह को ये इधर ये ऐड करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अल्लाह ने देखा मोहम्मद था ना, वो शायरी बना रहा था,
ठीक है, इंसान, लबान, बिहुस्मान, शजरान, यशजुदान, मीजान, मशरिकैन, मगरिबैन, और हर 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 अंतरे के बीच में वो एक ही बात 31 दफा लिखी है अल्लाह ने। क्या लिखी है वो, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुम तुकज्जिबान, वो तुकज्जिबान, यलकान, वो नून के जीगे मिलाने के लिए यम्बिगान तुकज्जिबान मरजान, उसने नून के जीगे मिलाने के लिए ना जनते भी दो बना दी इसमें, ठीक है, मशरिक भी दो बना दी, उसने पहाड़ों शजरों को सजदे भी करा दिए, बस गेम बस यशजुदान। मैं कह रहा हूँ कि मरजान हो जाना चाहिए था, यहाँ पे गेम खत्म हो गई, मर जान ही हो गई, मर के जान। तो आज का था क्या टॉपिक, मतलब मेरे को समझा नहीं टॉपिक, सूरह रहमान की हमने क्रियाक्रम किया आज, और आज का क्रियाक्रम हो गया और ये जल के राख हो गई है। अगर आप शुरू में देखेंगे, जिस वक्त मैं आया पहले बताया था स्कॉलर्स ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने, अपना मुन्ना भाई ने वीडियो चलाई थी, उसके बाद मैं आया था कोई 20 मिनट आधे घंटे बाद, और मैंने सूरह रहमान की 78 आयतों का पोस्टमार्टम किया, वो आप देख लीजिएगा, उसमें से शायद आपको 2-3 टॉपिक मिल जाएंगे बड़े अच्छे, तो जरूर देखिएगा। वो मैंने 15-20 मिनट के अंदर पूरी सूरह रहमान का क्रियाक्रम किया, क्योंकि आप एक एक आयत के ऊपर बनाते हैं, तो आप जब देखेंगे मैंने हर आयत का क्रियाक्रम किया, 78 आयतों का 15-20 मिनट के अंदर आधे घंटे के अंदर मैंने क्रियाक्रम किया, जरूर देखिएगा आपको मल्टीपल जो है ना इसके लिए स्ट्रीम्स मिलेंगी यहाँ से। अच्छा साहिल भाई, आपको मालूम है सूरह रहमान की फजीलत देखी है ना आपने कभी? बहुत अच्छा, बड़ी बड़ी बोलती है भाई, भूल गया, लेकिन मैं बताऊं जरा 2-3 ऐसा अच्छा, कड़क कड़क। आप साहिल भाई को बताइएगा, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ। यार मैं काफी देर से आपके साथ जुड़ा हुआ, मुझे जरा जाना है, एक तो काम है को करने, तो साहिल भाई सॉरी यार, आप लोग बैठे गपशप लगाएं और मैं फिर आपको मिलता हूँ। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुन्ना भाई, थैंक यू एडम भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू साहिल भाई, सॉरी यार साहिल भाई, मेरा दिल तो बड़ा था आपके साथ गपशप मजीद लगाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जरा भागना है, कोई नहीं भाई, फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच। Hats off to you and hats off to your energy level. Thank you so much. Thank you. Thank you. अच्छा साहिल भाई स्ट्रीम एनर्जी लेवल था वो ठीक था, लेकिन एडम के साथ तुम लोग ने बहुत नाइंसाफी की और उसको टॉर्चर करवा के। भाई सच में यार वो आदमी को सुन सुन के ना भाई सर दुख गया साहिल भाई, वो इतना खतरनाक आदमी था कि सर दुख गया मेरा भाई। अच्छा साहिल भाई शॉर्टकट में तुमको बताता हूँ भाई, अगर तुम्हारे को प्यार का प्रॉब्लम है, तुम्हारी कोई भी ऐसी तमन्ना है दिल में जो पूरी नहीं हो रही है भाई, कोई भी ऐसा शॉर्टकट में अगर तुमको करना है तो 11 बार सूरह रहमान पढ़ो, कोई कोई इसके अंदर सूरज जब निकलने का टाइम आता है वो टाइम पे तुम बैठो सूरज की तरफ देखो और सूरह रहमान पढ़ो और उंगली करो सूरज को देख के, समझे, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। उंगली करो, उंगली बताओ सूरज को ऐसा बस, समझे, उसके बाद में फिर अरे तुम मजाक लग रहा है तुमका ये मोमेंट, अरे यहाँ तक बोला है मोना, डॉक्टर लोगों की दवाई की इलाज इतना फास्ट नहीं होता, असर नहीं होता जितना फास्ट सूरह रहमान का असर होता है साहिल भाई। अच्छा। मैं रोज 3 टाइम सुबह, रात को सोने के टाइम 3 टाइम, सुबह 3 टाइम, और जुम्मा बीमार रहेगा तो दोपहर को एक्स्ट्रा पढ़ देता था एक आध बार भाई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा भाई, घंटा नहीं मिला कुछ भी भाई, और ये इधर मौलाना तो भाई। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ अभी से सूरज को उंगली करेंगे अपन। हाँ सुबह उठ के करना पड़ेगा भाई। क्या यार है? हर कुरान की हर आयत में शिफा है, कुछ नहीं होने वाला भाई। अच्छा एक लास्ट में ना एक वीडियो चलाना रह गया यार अमित भाई, लास्ट में एक मौलाना है वो बोलता है कि भाई एक मौलाना है भाई जाकी जोकर नालाई कंपनी का है, वो बोलता है भाई सूरह रहमान सूरह यासीन इसमें कुछ दम नहीं, बोलता है सब फेक है, बोलता है ये सब दईफ हदीस है बोलता है वो, उसने मैटर खत्म कर दिया। वो एक ही मौलाना है पूरे यूट्यूब पे जिसने बोला है सूरह रहमान के अंदर कुछ तासीर नहीं है, इस हदीस वो ज़ईफ हदीस से साबित है, इसमें कोई तासीर नहीं है, और इधर सूरह रहमान की फजीलत डालो। एडवोकेट नहीं भाई, दूसरा एक मौलाना है अभी अपना अमित भाई के इस पे चलेगा नहीं वो मेरे को लगता है, क्योंकि अमित भाई का जो ये है ना कंप्यूटर चल जाएगा, खाली लास्ट के एंडिंग के दो एंडिंग के 1 मिनट चलाने का, बस पूरा नहीं चलाने का है, पूरा इसने गेम ही ओवर कर दिया ये वाला है ना। हां मेरे को लग रहा है चल जाएगा, ट्राई करता हूं एक बार। हां हां साहिल भाई इतने इतने सूरह रहमान के बेनिफिट और वर्च्यूज डाल दो, खतरनाक है भाई,
समझे, और लास्ट में ये एक ही मौलाना है जो बोलता है भाई नहीं है करके मैटर, पूरा मैटर ही खत्म कर दिया इसने। जिस दिन ये मौलाना मेरे सामने आया ना भाई, उस दिन ईमान गिर गया। और जिस दिन फिर ये मौलाना आने के बाद में मैंने इसकी मीनिंग पढ़ी सूर्य रहमान की, उस दिन भाई जो बचा कुचा था वो भी निकल लिया भाई। फिर सूर्य रहमान को मैंने बैन कर दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया भाई। सूर्य रहमान को सह जाना चाहिए तुम्हारे ईमान के खात्मे का। हाँ 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 भाई, हाँ कसम से बोल रहा हूँ, सूर्य यासीन सूर्य रहमान भाई दम निकाल दिया था। और जुम्मा के दिन भाई वो अपने सूर्य काफ आढ़ाई पेज की, कितने पारे की आढ़ाई पेज की सूरत है सूर्य काफ भाई, पढ़ते पढ़ते जान निकल जाने की भाई। जुम्मा की नमाज के भाई 40 मिनट लग जाता था सूर्य काफ को पढ़ने के। और है ना भाई, और भाई वो पढ़ने के बाद में बोला जाता है कि लाइट लगती है आसमान से लेके तुम्हारे घर तक लाइट लगती है भाई। तो रोज हर फ्राइडे लाइट लगाता था भाई, हर जुम्मा को लाइट चेंज होती थी। मामला इनविजिबल है भाई, सब इनविजिबल, सब इनविजिबल भाई, मामला इनविजिबल है। शैतान पेशाब करता वो इनविजिबल, लाइट लगती वो इनविजिबल, हाँ हाँ आते वो इनविजिबल, अमित भाई मैं तुमको व्हाट्सएप पे वापस भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे है देखो, व्हाट्सएप पे है देखो अमित भाई। ये सनाउल्ला मदनी, ये सनाउल्ला मदनी है भाई, ये तो मैं लिफ्ट दे चुका हूँ कई बार इनको, कई बार मतलब एक दो बार। हाँ मेरे बिल्डिंग के पास ही रहते थे, IRF से जुड़े हुए। अमित भाई डिस्कॉर्ड चेक करो, डिस्कॉर्ड अमित भाई। अरे यार डिस्कॉर्ड पे मत दो, इधर दो। अच्छा इधर दो, एक मिनट। देखो आ गई, छोटा सा है लास्ट का, खाली चला दो इतना, मैटर खत्म भाई। सूर्य रहमान का कुछ कुछ भी नहीं इलाज भाई, सब हदीस ज़ईफ़ है बोले ये। अच्छा यही है कि मेरे को दिख रहा नहीं था। अच्छा यही है, दिख रहा नहीं था। अच्छा देखो चलती है, लास्ट का एक मिनट चला तो बस हो गया, स्टार्टिंग से मत चलाओ, लास्ट का एक मिनट चलाओ। जितनी बड़ी बड़ी सूरत है ना भाई, हाँ जितनी बड़ी बड़ी सूरत है ना, सबको इसने फेल कर दिया भाई, डायरेक्ट साहिल भाई इसने आके सबको फेल कर दिया। के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि उन सूरतों के ताल्लुक से और उन आयतों के ताल्लुक से ज़ईफ़ हदीसें मौजूद हैं, मौजू अहदीस मौजूद हैं और लोग उन सूरतों को ख़ास तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन आज के दर्स में मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि चंद आयतें ऐसी हैं कि अगर हम उसे पढ़ें तो हमारी तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाए, अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों को कम कर दे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सूरह यासीन की फजीलत बयान करते हैं, सही हदीस में इसकी फजीलत नहीं आई है, ज़ईफ़ हदीस में इसके बारे में आया है, जिस पर अमल करना सही नहीं है। इसी तरह सूरह वाकिया के ताल्लुक से हमारे दरमियान ये बात मशहूर है कि जो कोई भी आदमी रात में सूरह वाकिया को पढ़ता है तो सुबह वो मोहताज नहीं रहेगा। ये हदीस भी ज़ईफ़ है, मौजू है, अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसी तरह कहते हैं सूरह यासीन कुरान का दिल है, ये भी हदीस सही नहीं है। इसी तरह हम और आप में से बहुत सारे लोग सूरह रहमान की तिलावत करना ज़्यादा अहम समझते हैं, उसके ताल्लुक से भी सही अहादीसों में नहीं आया है। इसी तरह सूरह जिन के ताल्लुक से भी लोगों में शायद कि ये गलत फहमी पाई जा रही है कि सूरह जिन पढ़ लेने से जिन्नात कब्जे में आ जाता है, तो इसके ताल्लुक से अमित भाई, अमित भाई छोटी स्क्रीन करके चलाना था यार, हो गया कोई नहीं, अभी क्या हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। साहिल भाई सुन लिया इसने क्या बोला, सुन लिया साहिल भाई? हाँ कोई जो कोई है हदीस मौजूद नहीं है समझे, ये सीधा बोलता है ऐसा, अभी किसको किस पे भरोसा करने का कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है भाई। अपन तो ये मौलाना के फैन थे भाई एक टाइम पे, तो अपन तो यही मौलाना की मानेंगे। मैं ये पूछता हूँ अगर सही हदीस में हो उससे क्या फर्क पड़ता? तो भी अपन फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। वही वही बोल रहा है कि ये ज़ईफ़ हदीसों में है, इसके लिए फर्क नहीं पड़ रहा। अगर सही हदीस में लिखा होता तो क्या सच में हो रहा होता ऐसा कुछ काम?
भाई अभी तो इनविजिबल है देख लो, अमित बोला ना अभी सब इनविजिबल है इस्लाम की बातें। अच्छा साहिल भाई सच में अगर ऐसा होता तो भाई अपन अंग्रेज वंग्रेज अंग्रेज वंग्रेज एक्टर्स लोग को बोलता था भाई मेरे को ये चाहिए, मेरी तमन्ना ये है, और सूरह रहमान पढ़ के फूक मारो तो आ जाती थी ना भाई डायरेक्ट। सच में होता तो ऐसा। कौन सी वाली चाहिए तुमको, जरा नाम तो बताओ भाई। अभी नाम कहाँ से ढूंढू भाई, ढूंढना पड़ेगी एक हाथ, उसके बाद नाम बता सकते हो। नाम भी कहाँ याद रहेगा भाई अंग्रेज हीरोइनों का, सिर्फ सीन देख लेगा नाम याद रखे। अंग्रेजी अंग्रेजी पिक्चर देखता ही नहीं भाई, अपने सर के ऊपर से बाउंसर जाती हो। काम भर की चीज देख लेते उसमें से बस। नहीं भाई जाने का ही नहीं हो अंग्रेजी मैटर में, जाने का ही नहीं भाई। अपनी इसकी साउथ की पिक्चर बड़ी मजा आती है देखने के लिए भाई, जो मारता है पैर मारा जमीन पे तो भाई वो साइक्लोन आ जाता है, वो मजा आती है देखने के लिए भाई। उसमें पूरा